क्लास 9 इंग्लिश बीहाई बुक से जो चैप्टर 3 है ईश्वरन द स्टोरी टेलर आज हम करेंगे उसके एमसीक्यू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा एमसीक्यू आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। राइटर कौन है? राइटर है आर के लक्ष्मण। नेक्स्ट, What kind of a story teller Ishwaran was? Ishwaran किस तरह का story teller था? वो था भाई साहब master story teller. Next, what was Ishwaran fond of? Ishwaran किस चीज को पढ़ने का शौकीन था? उसको पढ़ने में मजा आता था popular Tamil thrillers. Next question, what does the writer create while narrating his stories? और जब writer ने इस story को create किया है तो उसने किन किन बातों का ध्यान रखा है? सस्पेंस का, सरप्राइज का और ड्रामेटिक फ्लेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूज स्टोरी डिड ईश्वरन टेल महेंद्र। ईश्वरन ने महेंद्र को किसकी कहानी सुनाई थी? उसने सुनाई थी मैड एलिफेंट यानी पागल हाथी की कहानी। नेक्स्ट वन, हाउ डिड ईश्वरन मेक द एलिफेंट अनकॉन्शियस। ईश्वरन ने एलिफेंट को किस तरह से बेहोश कर दिया था? यूजिंग जापानीज आर्ट जिसको कराटे बोला जाता है या जूजित्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did elephant enter? Elephant कहाँ पे घुस के आ गया था? वो आ गया था स्कूल ग्राउंड में। Next, what did महेंद्र tell ईश्वरन after hearing ghost story? जब ईश्वरन ने महेंद्र को भूतों की कहानी सुनाई तो महेंद्र ने क्या कहा? महेंद्र ने कहा ghosts do not exist in reality. सचमुच में भूत कुछ नहीं होता। Next, what did ईश्वरन often see at night? ईश्वरन अक्सर रात को क्या देखता था? घोस्ट यानी कि भूतों को देखता था। Why did महेंद्र want to shift from his workplace? महेंद्र अपने workplace से क्यों shift करना चाहता था? Because of the fear of घोस्ट, क्योंकि उसको भूतों से डर लग गया था। Why does ईश्वरन use dramatic suspense and surprise in his story of narration? ईश्वरन अपनी story में dramatic suspense और surprise क्यों use करता है? To catch the attention of the listeners, ताकि जो भी उसकी कहानी सुने वो उसके उस पे ध्यान दे। नेक्स्ट, हाउ डिड ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री को? उसने कैसे डिस्क्राइब किया? उसने कहा एडिंग सस्पेंस एंड सरप्राइज डाला उसने अपने हाथों को और आईज को ड्रामेटिकली हिलाया और उसने अटेंशन कैच करने की कोशिश की। तो मतलब उसने ये सारी चीजें यूज की थी। व्हाट इन्फ्लुएंस ईश्वरन स्टाइल ऑफ नरेशन? जिस तरह से वो स्टोरी सुनाता था वो कहां से इंस्पायर था? वो इंस्पायर था तमिल थ्रिलर से। चिल्ड्रन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक मेरे भाई इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक दे देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। और आपको किस किस सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ईश्वरन व्हाट मेड द स्टोरी इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल? ईश्वरन के हिसाब से क्या जो चीज है जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल बनाती है? Elaborated description, जब आप उसको अच्छी तरह से elaborate करोगे, उसमें suspense डालोगे, surprise डालोगे, dramatic sense use करोगे, तो ये सारी चीजें story को क्या बनाती है? Interesting. Where did Ishwaran hit the elephant to make him conscious? उसने ईश्वरन ने एलिफेंट को कहां पे हिट किया था? थर्ड नोले टो नेल पे, ठीक है, उसने उसको डंडी मारी थी और जिससे वो बेहोश हो गया था। नेक्स्ट, What kind of person did Mahendra claim himself to be? Mahendra अपने आप को कैसा आदमी कहता था? वो कहता था कि वो ब्रेव है और रैशनल। रैशनल होता है एक ऐसा पर्सन जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता और दिमाग का यूज करता है। What made Mahendra wake up on a full moon night? Mahendra full moon night यानी पूर्णिमा की रात को क्यों जग गया था? उसने सुनी थी एक मोन यानी कि किसी की आवाज रोने की। Next, what did Mahendra see from the window? उसने विंडो से क्या देखा? उसने देखा अ डार्क क्लाउड लाइक फॉर्म होल्डिंग अ बंडल। उसने देखा अंधेरे अंधेरे में एक काली सी आकृति है और उसके हाथ में कोई बच्चा या बंडल सा लगा हुआ है। हाउ डिड ईश्वरन एंटरटेन महेंद्र? ईश्वरन महेंद्र को कैसे एंटरटेन करता था? टेलिंग हिम स्टोरीज जस्ट लाइक टेलीविजन, उसको कहानी सुनाता था। हाउ डिड ईश्वरन इन ईश्वरन स्टोरी फ्रॉम वेयर द टस्कर एस्केप? टस्कर होता है चिल्ड्रन एलिफेंट को हम टस्कर बोलते हैं। वो कहां से निकल के आया था? टिम्बर यार्ड, जहां लकड़ियों का काम होता है वहां से। हाउ वॉज द मेड एलिफेंट ब्रेकिंग द वॉल्स? जो पागल हाथी था दीवारों को कैसे तोड़ रहा था? लाइक मैचस्टिक, मैचस्टिक मतलब माचिस की तीलियों की तरह उनको तोड़ रहा था।
फ्रॉम वेयर वॉज ईश्वरन वॉचिंग दिस इंसिडेंट, ईश्वरन ये सारा ड्रामा कहां से देख रहा था? फ्रॉम द रूफटॉप, स्कूल की छत से. When the elephant entered the school ground in which class was Ishwaran studying? जब एलिफेंट स्कूल में घुसा तो उस टाइम पे वो किस क्लास में था? वो जूनियर क्लास में पढ़ाई कर रहा था. Where did the school boys hide themselves? बच्चों ने अपने आप को कहाँ पे छुपा लिया था जब वो एलिफेंट आ गया? In their classrooms. क्लासरूम के अंदर सारे बच्चे छुप गए थे. Why was the veterinary doctor summoned? वेटनरी डॉक्टर को क्यों बुलाया गया? To treat एलिफेंट, क्योंकि वो बेहोश हो गया था, उसको कॉन्शियस में लाने के लिए, होश में लाने के लिए. हु इज अ महोत, महोत कौन होता है? जो एलिफेंट का ड्राइवर होता है उसको महोत बोला जाता है. व्हाट डिड महेंद्र टेल ईश्वरन आफ्टर हियरिंग घोष स्टोरी? महेंद्र ने ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद क्या कहा था? घोष डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, सचमुच में भूत-भूत कुछ नहीं होते. ये हो गया चिल्ड्रन, सॉरी. व्हेन वुड महेंद्र लीव फॉर हिज वर्क? महेंद्र अपने काम के लिए कब जाता था? आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट करके जाता था और लंच वो अपना साथ में लेके जाता था. नेक्स्ट, महेंद्र लिसन टू ईश्वरन्स टेल, वो उसकी कहानियों को कैसे सुनता था? अनक्रिटिकली, मतलब उसमें कोई भी ये नहीं कहता था कि तू फेंक रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, कुछ नहीं, उसको सुनता था बड़े प्यार से. हुम डज महेंद्र नरेट द स्टोरी ऑफ ईश्वरन? महेंद्र ईश्वरन की कहानी किसको सुना रहा है? गणेश को. नेक्स्ट, Who was महेंद्र? महेंद्र था कौन? महेंद्र एक इंजीनियर था, एक फर्म, यानी कि एक, सॉरी ये नहीं है, इसका राइट आंसर है अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म. वो एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में. Who was ईश्वरन? ईश्वरन कौन था? ईश्वरन था सचमुच में वो द कुक हु वॉज अटैच्ड टू महेंद्र. एक सचमुच में था तो वो कुक, लेकिन सारे काम करता था और महेंद्र से बहुत ज्यादा अटैच था वो. What was Mahindra's one asset? महेंद्र का एक सबसे बड़ा एसेट क्या था? उसका कुक ईश्वरन. Who told ईश्वरन story to गणेश? ईश्वरन की स्टोरी गणेश को कौन सुना रहा है? महेंद्र सुना रहा है. What would ईश्वरन do after महेंद्र had left? जब महेंद्र चला जाता था तो ईश्वरन क्या करता था? पूरे घर को साफ करता था, उसके कपड़े धोता था और खूब अच्छे से नहाता धोता था. तो मतलब all of the above. What was ईश्वरन's special quality क्या थी? स्पेशल क्वालिटी थी, एक तो भाई वो बहुत टेस्टी खाना बनाता था. ही कुड वीव एंडलेस स्टोरीज ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, और बहुत अच्छी स्टोरीज भी सुनाता था. सो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट, हु यूज्ड टू डू ऑल द हाउसहोल्ड चोर्स एट महेंद्र? महेंद्र के घर में घर का सारा काम कौन करता था? ईश्वरन करता था. वॉट काइंड ऑफ बुक ईश्वरन वुड रीड पोस्ट हिज लंच टाइम? किस तरह की बुक पढ़ता था लंच के बाद? वो पढ़ता था तमिल थ्रिलर. According to Ishwaran, what does karate do? Ishwaran के हिसाब से कराटे क्या करते हैं? It temporarily paralyzes the nervous system. मतलब थोड़ी देर के लिए नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है. Who complimented Ishwaran for culinary skills? Culinary का मतलब होता है कुकिंग स्किल्स के लिए किसने कॉम्प्लीमेंट किया? उसको महेंद्र ने कहा कि भाई तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो. नेक्स्ट,